वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिसिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम एंड आज मैं आपको लेकर आई हूं मोहाली के वन ऑफ द पॉट सेक्टर्स में से एक सेक्टर 91 में, जहां पे आज मैं आपको चेकआउट कराऊंगी एक 1800 स्क्वायर फीट का 3BHK अपार्टमेंट, जिसमें आपको मिलने वाला है प्लस 400 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा गार्डन। जैसे कि आप मेरे पीछे ये गार्डन देख सकते हैं, कुछ इस साइज का गार्डन आपको मिलने वाला है आपके अपार्टमेंट के बिल्कुल एडजॉइंट में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्टर 91 में लोकेटेड है, जो कनेक्टेड रहता है आपके PR7 के साथ भी, आपके खरर लांड्रा हाईवे के साथ भी, मतलब मल्टीपल हाईवेज़ की कनेक्टिविटी आपको यहां से मिल जाती है। आपको अदर स्टेट्स के लिए हेड करना है आप वो भी कर सकते हैं, फर्दर पंजाब के लिए जाना है वो भी आप इजीली जा सकते हैं, मोहाली चंडीगढ़ के लिए भी काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी आपको यहां पे मिल जाता है फर्दर के लिए। नियर बाय प्लेसेस के बारे में बात करेंगे तो यहां पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको एडजॉइंट में मिल जाती हैं, लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पर जो मेजर चीज़ आ जाती है जो आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट में है वो है आपका ये स्कूल। ये है आपका मानव मंगल जूनियर स्कूल, जो आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट में यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको अपने बच्चों के एजुकेशन की तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल पॉश एरिया है आपका एंड उसी में आपको प्रोजेक्ट के एडजॉइंट में यहाँ पे स्कूल भी मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। गाइज, अगर आप भी 3BHK अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, 3BHK में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस अपार्टमेंट को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि इसमें आपको अपार्टमेंट तो मिल ही रहा है, साथ में आपको एक 400 स्क्वायर फीट का गार्डन भी मिल रहा है, जिसको ये लोग अर्थ विला का नाम देते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है आपको अपार्टमेंट के साथ में। बहुत लोगों का सपना होता है कि अपार्टमेंट के साथ में ही उनको एक ऐसा स्पेस मिल जाए जहाँ पर वो बैठ सकें, शाम को अपने चाय इंजॉय कर सकें, अगर सर्दियों की बात करें तो धूप सेक सकें, वहाँ पे बैठ के प्लांट्स लगा सकें, फ्रूट्स लगा सकें, वेजिटेबल्स उगा सकें। काफ़ी लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद होती है, तो अगर आप भी कुछ वैसी सोच रखते हैं तो आपको इस अपार्टमेंट को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, अब हमारे अपार्टमेंट का टूर शुरू करते हैं। गाइज, आई होप यू एंजॉयड द ग्लिम्स। आप पूरा प्रोजेक्ट चेकआउट कर चुके होंगे ग्लिम्स के ज़रिए, आपने अपार्टमेंट भी देख लिया होगा। अब मैं आपको खुद टूर कराऊंगी पूरे अपार्टमेंट का। तो सबसे पहले हम ये कॉरिडोर एरिया देख लेते हैं। गाइज, इसी साइज़ का कॉरिडोर आपके अपार्टमेंट के बाहर रहने वाला है। एक फ्लोर पे आपके 3 अपार्टमेंट्स रहेंगे, जिनके लिए आप स्टेयरकेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लिफ्ट भी आपके लिए प्रोवाइडेड रहेंगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आज का सैम्पल अपार्टमेंट, जिसमें गाइस ये फ्रंट में आपको ये वुडन डोर मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट टीक वुड का यूज़ किया गया है, डिजिटल लॉक के साथ आ जाएगा। एंड गाइस, सिक्योरिटी के लिए एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो है आपकी ये डोर बेल, जो ऑडिबल भी है। अगर कोई भी आपको विजिट करता है, अंदर आप टैब में देख सकते हो कि आपको विजिट करने के लिए कौन आया, तो ये आपको वीडियो कॉल का फीचर यहाँ पर मिल रहा है। तो आइए अब चलते हैं अंदर एंड अंदर से अपार्टमेंट चेकआउट करते हैं। गाइज, आपको इस अपार्टमेंट का टूर करवाने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीट आपकी 1.8 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें आपके पास 107 फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अर्थ विलास मिल जाएंगे, जिसमें आपका फ्लैट तो सेम रहेगा 1800 स्क्वायर फीट का, प्लस उसमें आपको 400 स्क्वायर फीट का एक गार्डन मिल जाएगा, जो आज मैं आपको चेकआउट कराने वाली हूँ। प्लस आपको 3BHK में ही एक और कैटेगरी मिल जाएगी, 3BHK प्लस 2 वॉशरूम, जिसमें जो साइज़ रहेगा वो रहेगा आपका 1725 स्क्वायर फीट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आपके पास 4BHK एंड डुप्लेक्स पेंट हाउसेज भी अवेलेबल रहेंगे। एंड इसके अलावा एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट में आपको स्पोर्ट्स अरीना मिल जाएगा, जिसमें आपकी डिफरेंट गेम्स के लिए आपके स्पेसेस रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आपको 5000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल जाएगा,
जिसमें आपके पास बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, आपका ड्राइवर्स के लिए एंड सर्वेंट्स के लिए डोमेट्री रहेगा, आपका जिमनाजियम रहेगा, इंडोर गेम्स रहेंगी एंड रूफ टॉप पे आपका पूरा कैफेटेरिया एंड रेस्टोरेंट्स रहेंगे। सो ये तो थी अम्यूनिटीज की बात। अब वापस आ जाते हैं हमारे आज के फ्लैट के ऊपर जो आज मैं आपको चेकआउट करा रही हूँ। तो ये थी हमारी एंट्री जहाँ से हमने फ्लैट में एंटर किया। मैंने आपको बाहर ही बताया था कि आपको वीडियो कॉल का फीचर मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका टैब रहेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके दरवाजे पे कौन खड़ा है। आफ्टर दैट ये रहेगा हमारा ड्रॉइंग एरिया। सो गाइस, काफ़ी स्पेशियस आपको ड्राइंग एरिया यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 सेटिंग इन्होंने एडजस्ट करके रखी है, विच इज़ लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होगी चलने में, या फिर मैं इजीली यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ, बीच में आपका सेंटर टेबल भी आ जाता है। गाइस, ये आपके घर का वो स्पेस होने वाला है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंटरटेनमेंट इन्जॉय कर सकते हैं। सामने आपका LED आ जाएगा एंड आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के गप्पे मार सकते हैं, बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं। एंड इसके बाद जब भी आपको भूख लगे, आप थक जाएं खेल खेल के, तब आप जा सकते हैं इस तरफ जहां पे आ जाएगा आपका डाइनिंग स्पेस एंड आपका किचन। तो पहले हम डाइनिंग स्पेस की बात कर लेते हैं। गाइज, ये आपके घर का वो एरिया रहने वाला है जहाँ पे आप पूरी फैमिली बैठ के यहाँ पे सबके साथ अपना मील इन्जॉय कर सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये स्पेस देख ही रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने 5-seater अरेंज करके रखा है। आप भी अपना डाइनिंग टेबल अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने कर रखा है, आपको बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं लगने वाला है। कमिंग टू दिस वॉल, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया सामने आपका LED आ जाएगा। गाइज, यहाँ पे LED प्लेस करने की ना एक खासियत है कि इसको आप अपने ड्राइंग एरिया से भी देख सकते हैं एंड अपने डाइनिंग एरिया से भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप गप्पे मार रहे हैं अपनी घर वालों के साथ, चिल कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तब भी आप LED इन्जॉय कर सकते हैं एंड अगर आप खाना खा रहे हैं तब भी आप यहाँ पे अपना एंटरटेनमेंट इन्जॉय कर सकते हैं। पीछे अगर ये कम्प्लीट वॉल आप देखेंगे ना, यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीट पैनलिंग कर रखा है जिस पे ये जो टेक्सचर है ये आपका टाइल का पूरा डिज़ाइन है। तो आप यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं अपने ड्राइंग एरिया को डेकोरेट करने के लिए या फिर अपने पैनल को डेकोरेट करने के लिए। पीछे का ये जो पूरा पोर्शन आ जाएगा इसमें आपका कंप्लीट वुडन वर्क है, तो ऐसा भी कुछ अपनी एंट्री में आप करवा सकते हैं। एंड गाइज, इसके बाद अब हम चेकआउट करेंगे हमारा किचन, आइए। सो गाइज, ये है आपका किचन, आपके घर का वो एरिया जहाँ पे आपके अच्छे अच्छे खाने बनेंगे एंड डाइनिंग टेबल पे जो आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल वहाँ पे बैठ के आप उनको इंजॉय कर सकते हैं। कंप्लीट आपकी फुली मॉडर्न किचन आ जाएगी, हटीक की किचन है आपकी, जिसमें यहाँ पे आप अपना हॉब देख सकते हैं, चिमनी, आपके अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे। खोल के भी दिखा देती हूँ आपको, आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा साइज़ है अंदर। ये जो आपका कुकिंग काउंटर है ये कंप्लीट आपका ग्रेनाइट का आ जाएगा। नीचे वाले कैबिनेट्स की बात करूंगी तो ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे आपके, देख सकते हैं आप, डिफरेंट कैबिनेट्स रहेंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका साइज कुछ अलग है, ये इसका साइज कुछ अलग है आपका एंड यहाँ पे भी आप डिफरेंट साइजेस यहाँ पे देख सकते हैं। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ जाएगा स्पेस आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। गाइस, ऊपर तक ना काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो जितना मर्जी बड़ा फ्रिज आप यहाँ पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं इजीली। यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंट्री स्पेस जहाँ पे आप अपना सारा जो है वो पेंट्री स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अरेंज करके उसको रख सकते हैं। देन हियर कम्स अ स्पेस फॉर योर अप्लायंसेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे आपके डिफरेंट स्पेसेस आ जाएंगे जहाँ पे आप अपने, अगर आपको लाइक कुकिंग वगैरह का शौक है, बेकिंग का शौक है, तो अपना वो वाला सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे जो कैबिनेट्स आ जाएंगे एंड ऊपर भी आपके पास स्पेस है, इसको आप अपने क्रॉकरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत रखी भी है, तो अगर आपको पसंद है कि क्रॉकरी आप सजा के रखना चाहते हैं तो आप वैसा भी कुछ है यहाँ पे कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा हमारा ड्यूल सिंक, साउंड प्रूफ है, काफ़ी अच्छा स्पेस है सिंक में भी आपका। ठीक ऊपर इसके कैबिनेट्स आ जाएंगे जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स रख सकते हैं वॉश करके, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। गाइज, यहाँ पे ना आपको गीज़र का एंड RO का प्रोविज़न मिल जाएगा। जब भी आप यहाँ पे फ्लैट परचेज करेंगे आप अपना RO एंड गीज़र यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड गाइज, ये है आपका विंडो,
आपका डोर जहाँ से आप अपनी बालकनी के लिए हेड कर सकते हैं। गाइस एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको इतनी बड़ी बालकनी मिल रही है, अगर आपको वॉक करने का शौक है ना, जैसे खाना खाने के बाद आप वॉक करते हो, घूमना आपको पसंद है, तो आप अपनी बालकनी में ही घूम सकते हो। इतनी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है। आ जाओ दिखाती हूँ। तो एक बार बालकनी आपको दिखाई देती हूँ पूरी स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे ये जो स्पेस देख रहे हैं ये आपका आ जाएगा सेकेंड बेडरूम, इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगी। देन आपका किचन, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग का जो स्पेस था उसके साथ भी कनेक्टेड है। देन योर गेस्ट बेडरूम, एंड यहाँ पे भी आप स्पेस देख सकते हैं। तो लाइक इतनी बड़ी बालकनी मिल रही है, मतलब मैं ठीक बोल रही थी ना कि आप वॉक कर सकते हो यहाँ पे जब भी आप ये घर परचेज करेंगे। एंड ये जो आप यहाँ पे दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये आपके गेस्ट बेडरूम का जो वॉशरूम है उसको कनेक्ट करता है। कभी आप गार्डन में बैठे हो, बालकनी में बैठे हो, तो ये नहीं है कि पूरा आपको घूम के जाना पड़ेगा तब आप वॉशरूम यूज़ करेंगे। ये वाला वॉशरूम आप यहाँ से बाहर से ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। सो गाइज ये थी हमारे किचन, जिसका साइज़ बताना मैं आपको भूल गई थी, ड्राइंग डाइनिंग का भी एंड किचन का भी। तो किचन का साइज़ है आपका 9x12, एंड जो आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग का जो कंबाइंड पार्ट है उसका साइज़ रहेगा आपका 23x12.5। अब गाइज मैं आपको लेके चलूँगी घर के सबसे पॉजिटिव स्पेस में, जो है आपका पूजा स्पेस। तो यहाँ पे रहेगा आपका पूजा स्पेस, क्योंकि ये सैम्पल अपार्टमेंट है तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम स्पेस दिख रहा है। ये बाकी जो आपका एक्चुअल अपार्टमेंट होगा ये पूरा पीछे तक स्पेस आपको मिल जाएगा। तो इसको आप जिस मर्जी तरीके से अरेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर स्टोर बनाना चाहें उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आप पूजा स्पेस बनाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। एंड जो आपका डाइनिंग स्पेस है एंड जो आपका ये स्पेस है, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टीशन लगाया हुआ है यहाँ पे, तो आप भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वहाँ से भी अगर आप देखोगे तब भी सुंदर लग रहा है, यहाँ से देखोगे तब भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये है आपका पूजा स्पेस। अब मैं लेके चलूंगी आपको आपके रूम्स की तरफ, जो है आपके प्राइवेट स्पेसेस। तो सबसे पहले हम चलेंगे गेस्ट बेडरूम में, जो आ जाएगा आपके बिल्कुल, ये आपका मेन डोर है, इसके बिल्कुल साथ में रहेगा यहाँ पे। सो इसके साइज की बात करूंगी तो उसका साइज है आपका 11.3x11.5। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है गाइज, आप देखो कि गेस्ट बेडरूम इतना स्पेशियस है तो बाकी रूम्स कितने स्पेशियस होंगे आपके। एंड डेकोरेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया है इन्होंने, कलर कॉम्बिनेशन अगर आप चेकआउट करेंगे बहुत ही स्वीट से कलर्स यूज़ किए हैं इन्होंने यहाँ पे। पीछे पूरी वॉल पे आपका जो है वो टेक्स्चर ऐड किया है इन्होंने, आप भी आइडियाज़ ले सकते हैं, पैनलिंग करवा सकते हैं, ऊपर आपका काफ़ी ब्यूटीफुल सा पेंटिंग आ जाएगा। कमिंग टू दिस वॉल, यहाँ पे रहेगी आपकी एलईडी के लिए स्पेस, जहाँ पे आप अपने एलईडी लगा सकते हैं। एसी की डक्टिंग यहाँ पे रहेगी। एंड कमिंग टू दिस वॉल, यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स। गाइस क्योंकि ये घर आपको सेमी फर्निश मिल रहा है तो आपको पूरे ही घर में जो है वो कबर्ड्स एज इट इज मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। स्पेस देख लीजिए, लाइक काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है कबर्ड्स में। ऊपर का जो फॉल सीलिंग है आपका, इस रूम में ही नहीं पूरे घर में फॉल सीलिंग जो है वो आपका एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। इसमें जो छोटी छोटी लाइट्स आप देख रहे हैं ये भी आपको सारी एज इट इज़ मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ वॉशरूम। सो ये रहेगा आपका वॉशरूम गाइज, ये वो वाला वॉशरूम है जो मैंने आपको बालकनी सिखाया था, जिसको आपके पास दूसरा दरवाज़ा भी है, बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, पूरी एंटीस्किड फ्लोरिंग रहेगी। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिन आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका सीट आ जाएगा। ब्रांड की बात की जाए तो अमेरिकन स्टैंडर्ड पूरा ब्रांड यहाँ पे यूज़ किया गया है। फुल वॉल लेंथ पे आपका टाइलिंग आ जाएगा। एंड इसी रूम के साथ आपका बालकनी भी अटैच रहेगा, जो मैं आपको बाहर से दिखा चुकी हूँ, जो आपका रनिंग बालकनी है। तो ये था हमारा गेस्ट बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलूंगी हमारे सेकंड बेडरूम में, जो आ जाएगा आपके पूजा स्पेस के बिल्कुल यहाँ पे सामने। साइज की बात कर लेते हैं पहले, तो 13x11 का रूम का साइज रहने वाला है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आपका इतना बड़ा बेड इंस्टॉल्ड है। उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे भी मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, वहाँ पे भी इतना स्पेस है कि आप दो चेयर्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँगी, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है यहाँ पे इन्होंने, बहुत स्वीट कलर्स यूज़ किए हैं यार उन्होंने पूरे ही घर में, मतलब आपको आइडियाज़ लेने चाहिए यहाँ पे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनके कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देखिए येलो चेयर्स हैं आपकी, यहाँ पे आपका ग्रे आ जाएगा, पीछे आपका वुडन का पैनलिंग है, ऊपर आपका ग्रे पैनलिंग है, वहाँ पे आपकी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स आ जाएंगी जिसमें आप अगेन येलो कलर देख सकते हो।
सामने यहाँ पे देखोगे तो पैनलिंग आ जाएगी पूरी। यहाँ पे आप अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं, पैनलिंग आप भी करवा सकते हैं अपने रूम में जब भी आप ये फ्लैट परचेज करेंगे। ऊपर आपका एसी का डक्टिंग रहेगा। फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आपको एज इट इज मिलेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ रहेंगे आपके कबर्ड्स। वाओ गाइस, मतलब आप साइज देखिए पहले, कितना बड़ा कबर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। नीचे भी स्पेसेस आ जाएंगे, यहाँ पे भी स्पेस है, ऊपर भी आपको स्पेस मिल रहा है। मतलब कितना अच्छा साइज है कबर्ड का। सारे कपड़े आपके इस कबर्ड में आ जाएंगे, दूसरे कबर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये था हमारा कबर्ड। यहाँ पे रहेगी आपकी बालकनी के लिए एक्सेस। गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके जो बालकनी के लिए डोर्स आ जाएंगे ना, वो आपको दो डोर्स मिल रहे हैं। आपके मैश डोर्स भी रहेंगे, आपके सिंपल डोर्स भी रहेंगे जो आपके विद ग्लास रहेंगे, एंड उसमें आपका टफन ग्लास कंप्लीट यूज़ किया गया है। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब इसके वॉशरूम में लेके चलती हूँ। तो यहाँ है इसका वॉशरूम। सो गाइज ये आ जाएगा वॉशरूम। यहाँ पे बेसिन रहेगा, यहाँ पे सीट रहेगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड अगेन आपकी फिटिंग रहेगी कंप्लीट। पीछे यहाँ पे आ जाएंगे आपके टैप्स। वॉल्स पे पूरा आपका अपर लेंथ का टाइलिंग आ जाएगा। नीचे फ्लोरिंग की बात करूँगी तो एंटीस्किट आपका कंप्लीट फ्लोरिंग रहेगा। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब लेके चलती हूँ आपको हमारे थर्ड बेडरूम में, जो रहेगा बिल्कुल इसके साथ में। गाइस बताना चाहूंगी कि ये आपका मास्टर बेडरूम है, जिसमें आपका कंप्लीट जो फ्लोरिंग रहेगा वो वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी घर में सारा आपका टाइल वर्क रहेगा। साइज की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपके सेकेंड बेडरूम का एंड जो आपके मास्टर बेडरूम का साइज है वो सेम है, विच इज 13x11। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में आपका बेड आ जाएगा। पीछे पूरा वॉल लेंथ पे आप पैनलिंग यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर में। यहाँ पे रहेंगे आपके कबर्ड्स विद ब्यूटीफुल लेआउट। गाइस मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि पूरे घर में ना यहाँ पे आपको कबर्ड्स का साइज बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा। एंड गाइस यहाँ पे ये जो आपकी बालकनी है, ये मास्टर बेडरूम की प्राइवेट बालकनी रहेगी। ये आपकी जो रनिंग बालकनी है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको लेके जाऊंगी, पर पहले हम पूरा रूम चेकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम। आइए वॉशरूम दिखा देती हूँ। सो गाइज ये रहेगा वॉशरूम। स्टार्टिंग में आपका बेसिन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा आपका सीट, देन योर टैप्स। पूरा वॉल लेंथ पे आपका टाइलिंग प्रोवाइडेड है। नीचे आपका सारा जो फ्लोरिंग है वो आपका एंटीस्किट रहेगा। देन आफ्टर दैट ये जो आपका फ्रंट वाला वॉल आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस रहेगा आपकी एलईडी के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वॉल को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट करा है। जो पैनलिंग यहाँ पे कर रखी है काफ़ी ब्यूटीफुल है, जिसमें आपको डिफरेंट स्पेसेस में मिल जाते हैं, तो आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं यहाँ से। देन कमिंग टू दिस साइड, कि आपको ना अपना बेड इंस्टॉल करने के बाद इतना स्पेस मिल जाता है कि यहाँ पे आप जो है वो अपने सिटिंग के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ऐसे कुछ सिटर्स यहाँ पे रख सकते हो, बीच में आपका सेंटर टेबल आ जाएगा, आपका कॉफ़ी टेबल। देन सामने रहेगा आपका मिरर, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपना मेकअप वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, अपना रेडी हो सकते हैं। एंड ये जो आपका कैबिनेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज योर मेकअप ड्रॉअर, जहाँ पे आप अपना कंप्लीट मेकअप वैनिटी स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप भी अपने रूम में कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आइडिया है ये। अब हम चलेंगे फाइनली हमारे बालकनी में। सो गाइज ये रहेगी बालकनी आपके मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड, जिसमें आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। 6 फीट वाइड बालकनी है आपकी ये, जिसमें अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपका जो रेलिंग है उसका हाइट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड गाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेलिंग है, मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो आपको घर के साथ गार्डन तो मिल ही रहा है, उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी काफ़ी पार्क्स मिल जाएंगे, जिनमें आप अपना क्वालिटी टाइम, अपना नेचुरल टाइम एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज हमारे इस थर्ड बेडरूम के साथ हमारे इस अपार्टमेंट का, इस अर्थ विला का टूर कंप्लीट होता है। फ्लैट तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको 400 स्क्वायर फीट का गार्डन भी मिल रहा है, जहाँ पे आप अपनी मनपसंद के वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। सो गाइज आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा है हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं, हमारी सेल्स टीम जो है वो आपको असिस्ट करेगी, आपका विजिट प्लान करेगी। आपको बस एक कॉल करना है, पे आपके नंबर आ रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सुंदर से घर के साथ, किसी और अच्छी प्रॉपर्टी के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।